सुबह के 5 बज रहे हैं और करंट लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये हो गया हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 7। मैं बिल्कुल पीछे की तरफ आया हूँ, बैक टू बैक ट्रेन जर्नी चल रही है आपके सामने, एक और वर्चुअल एक्सपीरियंस। ये हो गया 22470, दिस इज सेफ्रन वंदे भारत दिल्ली से खजुराहो, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी एंड आई गेस दिस इज़ इंडियाज सेकेंड फास्टेस्ट वंदे भारत, तो इसका एक्सपीरियंस तो आपके सामने बनता है। तो एक और एग्जीक्यूटिव क्लास की जर्नी आपके सामने, 22470 आप देख सकते हो, दिस इज सेफ्रन वंदे भारत आपके सामने। डिपार्चर टाइम है 6 बजे का और लगभग 5:30 बजे ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। आगे की तरफ आपको मिलेंगे, ये हो गए आगे की तरफ चेयर कार कोचेस। यार कोचेस की कंडीशन तो कुछ ठीक नहीं लग रही भाई, अरे भाई ये साफ सफाई नहीं कर रहे क्या ये लोग। हाँ दिस इज आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ईयर 23, एक साल पुरानी रेक, बट यार कोच की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। आई गेस कल रात को ये आई है कुछ 11:15 बजे, मैं बिकॉज शताब्दी में था ना तो मैं इसका ट्रैक भी कर रहा था। आगे की तरफ आपके हो गए आगरा के बाद, फाइनली आगरा क्रॉस करते ही आप देख लीजिए अब एग्जीक्यूटिव क्लास में फर्स्ट क्लास, यहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। सुबह के आप मान लीजिए करीब 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में ये मज़ा है, वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जितनी मैं वंदे भारत कर लूँ, जितनी एग्जीक्यूटिव कर लूँ, बट एवरी टाइम इट फील्स सो फ्रेश, एवरी टाइम इट फील्स न्यू। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये हो गया आपको कटलेट दिए गए हैं, सरप्राइजिंगली दो दो यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब बहुत लिमिटेड वंदे भारत में आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ये यहाँ पर आई गेस उपमा दिया गया है, नॉन वेज में आपको यहाँ पर वो होगी ऑमलेट, ठीक है। ये जूस हो गया प्लस ये फ्रूट आप देख लीजिए बनाना, ये कर्ड दिया गया है इस तरफ, ये आपको ब्राउन ब्रेड हो गई, ये बटर हो गया और इस तरफ आपको ये पूरा मफिन हो गया। और मैंने भैया से पूछा, भैया बता रहे हैं थोड़ी देर में शायद कॉर्नफ्लेक्स भी यहाँ पर सर्व किया जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा जितना आप ये खाना पीना देख रहे हो सब कुछ मेरी टिकट में इंक्लूडेड। यहाँ पर आपको दिखा दूँ एग्जीक्यूटिव में और जो प्रेजेंटेशन वाइज आप देखोगे, एग्जीक्यूटिव में आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन मिलेगी और चेयर कार में आपको डिफरेंट, बट प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा टेबल का, ठीक है ना, टेबल का ध्यान रखना, बिकॉज किसी किसी में प्रॉपर आपको दिया गया है वंदे भारत में, बट यहाँ पर देखो फिर इन्होंने कॉर्नर्स नहीं है इस वाली में, लेटेस्ट वंदे भारत है सेफ्रन बट यहाँ कॉर्नर नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान रखें, बिकॉज ऑन कैमरा मैंने आपको प्लेट्स भी गिरते हुए दिखाई हैं, तो थोड़ा इस बात का केयरफुल रखें। बट भाई सुबह सुबह ये एकदम ज़बरदस्त इंडियन रेलवेज़ का नाश्ता सामने आपके विंडोज़ व्यू और ये हो गया आपको एग्जीक्यूटिव। भाई इससे एक जर्नी लवर से पूछिए इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मैं जैसे ही व्लॉगिंग के लिए कैमरा ऑन करता हूँ, देखो वंदे भारत की स्पीड हो जाती है डाउन, करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 85 किलोमीटर पर आवर। और अब बारी है वंदे भारत का ब्रेकफास्ट टेस्ट करने की, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है व्लॉगिंग के चक्कर में। ये हुआ ज़बरदस्त उपमा और जो आज जो ब्रेकफास्ट देख रहे हो ये पूरा ये लोग दिल्ली से ही लेकर चलनी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। आप देखो एग्जीक्यूटिव कोच बिल्कुल खाली, करंट वक्त इट इज़ 1:00, ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 115 किलोमीटर पर आवर और जिस लाइन पर हम चल रहे हैं अब नाउ दिस इज सिंगल लाइन। और इस रूट पर आपको बता दूँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और देखो आप खजुराहो रूट पर कितना सुंदर व्यू है, बारिश में सोचिए यहाँ क्या माहौल होगा। और अब इट इज़ 1:00, यहाँ पर फर्स्ट क्लास लंच सर्व किया गया है, वेज में ये हो गया, नॉन वेज में आपको चिकन। तो आपके लिए एक फूड नामा दिखा दूँ, ये दाल हो गई, राइस, वापस पनीर की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, ये आलू मटर यहाँ पर दिया गया है, ये पराठे हो गए, मिष्ठान में ये रागी का लड्डू दिया गया है। और अगर आप इस तरफ देखो ये यहाँ पर इन्होंने दही दिया गया है। सोचिए ब्रेकफास्ट सुबह दिया था 8:30 बजे और फिर सूप आया और अब 1 बजे के आसपास लंच। सच बता रहा हूँ इतनी तगड़ी भूख लगी है कि आप पूछो मत। और पनीर की सब्ज़ी में आप देखो भाई ऑयल, इसमें देखो ऑयल ऐसा लग रहा है दो का ऑयल एक ही में डाल दिया गया। बट देखो लंच वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास। बट खुशी इस बात की है जिस रूट पर मैं आया हूँ ना मज़ा आ गया, मतलब चलिए आज एक और रूट देखने को मिला। और इस उत्तर प्रदेश के रीजन से कौन कौन ये ब्लॉग देख रहा है ज़रा बताइए। देखो फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है और एग्जीक्यूटिव देखो पूरा खाली। ललितपुर के बाद 2 स्टेशन और हैं, अब मैं वो बता दूँ आपको, दोनों स्टेशन स्किप करने वाला हूँ बिकॉज सिर्फ 2-2 मिनट के स्टॉप है। सबसे पहले कॉस्टिंग इस वाली वंदे भारत की चेयर कार की 1700 रुपये और एग्जीक्यूटिव का अगर आप देखोगे अराउंड 3000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें यस
आपका खाना पानी सब, चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड। ये हुई ना कुछ बात, बाहर का मौसम भी अच्छा है। सिंगल लाइन की ना, सिंगल लाइन की ट्रेन की जर्नी की बात ही अलग है। और देखो आप इंडिया के इंटीरियर्स लिटरली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सब राइज वगैरह हो गया, अभी मे बी यहाँ पर आइसक्रीम भी सर्व की जाएगी। पूरे कोच में मुश्किल से 3 या 4 पैसेंजर बैठे हैं। चलिए अब पूरा अपना फर्स्ट क्लास में लंच एंजॉय करूँगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा, एक आदमी के हिसाब से बहुत है। और इन नज़ारों के संग अब आपसे आगे सीधी मुलाकात करेंगे हमारी डेस्टिनेशन पर। आई गेस यहाँ से कुछ 1 घंटा 1.25 घंटा में भी यहाँ से लगे। यहाँ का वेदर आप देखिए कितनी ज़बरदस्त, कहा जाता है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। और ठीक है, बस आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहेंगे। ठा ठा।